हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सीखने में व्यस्त होंगे। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग एसएससी जीडी का क्रैश कोर्स कंटिन्यू करेंगे, तो मैं अमन रीजनिंग सेशन में डे 4 के साथ हाजिर हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से तो लिया है, एज वेल एज एनालिसिस बेसिस पे, जो कि आप सभी को पता है कि 16 नवंबर से आपका पेपर स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन एनालिसिस बेसिस पे भी लिया हुआ है, जिसमें एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग है, और ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि अगर हिंदी में बोले तो गणितीय संक्रियाएं से मैंने ये क्वेश्चन किया है। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन का जो कलेक्शन है आपको पसंद आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उस संख्या का चयन करो जो श्रृंखला में अगली होगी, यानी कि श्रृंखला आपकी ये लिखी हुई है, श्री से क्वेश्चन लिया। जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि श्री से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिजिट बेस्ड या फिर अल्फाबेट बेस्ड, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 29 लिखा है, 23 लिखा है, 18 और 14। तो 29 से अगर हम 23 पे जा रहे हैं तो -6 हो रहा है, फिर से -5 हो रहा है, और फिर से -4 हो रहा है, और फिर से क्या होगा, -3 हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्रमागत संख्या है 6, 5, 4, 3, 2 इस तरीके से, ठीक है। तो अगला पद पूछा तो 14 - 3 करेंगे तो क्या होगा आपका, बताइए सोच के जरा। 14 - 3 होगा तो क्या आएगा, 11 आएगा ऑब्वियसली, आपका आ जाएगा इस श्रृंखला का अगला पद 11। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर क्या होगा, 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि इस वीडियो सेशन में थोड़ा अलग मैंने क्वेश्चन लिया है, तो इसको सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a का अर्थ प्लस है, यानी कि जहां पे भी a होगा वहां प्लस लगाएंगे, ठीक है, b का अर्थ माइनस है तो वहां माइनस का यूज करेंगे, c का अर्थ डिवाइड है और d का अर्थ गुणा है, तो देखिए ये आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें जहां भी अल्फाबेट है वहां पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरीके के साइन का यूज करेंगे, देन गो फॉर इट, सॉल्व करेंगे। देखिए 25 है तो c का अर्थ क्या होगा, c का अर्थ है डिवाइड, तो डिवाइड का साइन लगा देंगे, d का अर्थ क्या, देखिए d का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 8, b का अर्थ क्या -10 हो जाएगा, a का अर्थ क्या प्लस, तो प्लस 15 हो जाएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व जो करेंगे वो बोर्डोमास के नियम पे आधारित करेंगे, जैसे बोर्डोमास में क्या होता है, ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, और फिर प्लस या माइनस इस तरीके से। तो देखिए ना तो यहाँ ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो ना क्या डिवाइड है, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, देखिए 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 8 माइनस 10 और प्लस 15, 8 * 40 और -10 और प्लस 15, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, प्लस 5 बचेगा, क्योंकि माइनस के 10 है प्लस के 15, तो आपका 45 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से मैंने एक क्वेश्चन लिया, देखिए BAD को इन्होंने लिखा है क्वेश्चन में, जो बोल रहा है BAD DCF के रूप में लिखा जाता है, तो DOG को कैसे लिखेंगे, देखिए BCFD पे जा रहे हैं तो BCD यानी कि प्लस 2 हो गया, ठीक है, A से C पे जा रहे हैं यानी कि BC प्लस हो गया 2, DCF पे जा रहे हैं DEF ये भी प्लस 2 हो गया, तो इसी तरीके से डॉग के साथ करेंगे, तो देखिए DEF हो जाएगा यहां पे प्लस 2 करेंगे, D के साथ O प्लस 2 करेंगे तो PQ हो जाएगा, ठीक है, G के साथ प्लस 2 करेंगे तो HI हो जाएगा, तो FQ इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है FQI, ठीक है। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, जो एनालिसिस बेसिस पे मैंने क्वेश्चन देखे उनमें एक क्वेश्चन देखा था सिटिंग अरेंजमेंट का, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा, मैं इसका सॉल्यूशन बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूंगा। देखिए 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त के चारों ओर बैठे, और देखिए वृत्त इसी तरीके से बनेगा, ठीक है, ये आपका केंद्र होगा यहां पर, ठीक है, सेंटर, तो ये जो बैठे हैं ये बाहर की तरफ मुंह नहीं है इनका, अंदर की तरफ है, केंद्र की तरफ, ठीक है, केंद्र के समूह बैठे हैं, केवल एफ बी और डी के बीच बैठा, देखिए एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, चार हो गए और ये 5 हो गए, 6 हो गए, देखिए एफ जो है बी और डी के बीच में बैठेगा, अगर हम कहीं भी ले लेते, देखो बी यहाँ ले लेते हैं और डी यहाँ ले लेते हैं, इनके बीच में एफ इस तरीके से बैठेगा, अब कह रहा केवल ई, केवल ई सी और ए के बीच में बैठा है, और सी जो है बी के निकटतम बैठा, और अच्छा यहाँ पे छूट गया क्वेश्चन, बी जो है दाएं बैठा है, बी बी जो है सी, नहीं हाँ सॉरी, देखिए सी जो है बी के निकटतम दाएं बैठा है, क्वेश्चन में ये था मिसिंग हो गया, मैंने लिख नहीं पाया था, ठीक है सॉरी, माफी चाहूंगा इसके लिए, ठीक है, बी के दाएं बैठा है, तो सी जो है बी के दाएं बैठा, तो जब देखिए गौर से देखिए एनालिसिस करेंगे आपको पता चलेगा कि बी का जो राइट हैंड पड़ेगा वो इधर की तरफ पड़ेगा, क्योंकि वो केंद्र की तरफ बैठा है, ठीक है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, और क्वेश्चन में पहले कहा है केवल ई सी और बी के बीच में बैठा, देखिए सी यहाँ पे है, ई अगर यहाँ पे आ जाए और ए यहाँ पे आ जाए तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी कि जो ई है सी और ए के बीच में बैठा है, देखिए ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए और एफ दोनों का पड़ोसी कौन सा होगा, देखिए ए कहाँ पे है यहाँ पे, और एफ कहाँ पे यहाँ पे, इनका पड़ोसी ये तो होगा जो इनके बीच में होगा, भाई अगर एफ का पड़ोसी हम बी ले लेते हैं, ए का नहीं कहलाएगा वो, और ए का पड़ोसी अगर हम ई ले लें तो वो एफ का नहीं कहलाएगा, लेकिन ए और एफ दोनों का पड़ोसी तो डी होगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न आलेख में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा होगा, मतलब कौन सी डिजिट होगी, ठीक है, क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है, देखिए 12, 3, 8 क्या हुआ, अगर हम 3 × 8 करें और बटे 2 कर दें तो क्या 8 के 24 का आधा 12 सेटिस्फाई करा देगी यहाँ पे, ठीक है, उसी तरीके से अगर हम 9 × 6 लें तो क्या आएगा आपका, और बटे 2 कर दें तो यह आएगा आपका 9 × 6 = 54, 54 का आधा कितना हो जाएगा 27, ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा, ठीक है, तो
तो उसी तरीके से 7 के मल्टीप्लाई हम क्या लें और उसका आधा करें कि 56 आ जाएगा। देखिए 16 अगर हम ले लें, 16 + 7 = 112, या फिर हम देखिए 27 × 54 होता है, 12 × 24 होता है, तो 56 × 112 होता है, ठीक है, और 112 तभी आएगा जब हम 7 में 16 गुणा करेंगे और उसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 56, यानी कि इस प्रश्न वाचक चिन्ह की जगह 16 आ जाएगा, 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 तक चलते हैं। दिए गए विकल्प से संबंधित पद क्या होगा, देखिए पांच जो संबंधित है पंचभुज से, ठीक है, जिसकी भुजाएं जो होती है पांच उसे क्या बोलते हैं, पंचभुज बोलते हैं, ठीक है, पॉलीगन में आता है, जिसकी तीन भुजा होती है उसे क्या बोलेंगे, देखिए त्रिभुज ही बोलेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, समचतुर्भुज 4, वर्ग भी 4 और आयत भी 4, लेकिन त्रिभुज में 3 होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 त्रिभुज, ठीक है। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं, संबंधित पद क्या होगा, देखिए तापमान जो होता है वो किसमें मापा जाता है, थर्मामीटर में, और आर्द्रता किसमें मापी जाती है, ये इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जीएससीके में भी आता है और मिसेलेनियस क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें, तो यहां पे आर्द्रता किससे मेजर करेंगे, वो रिलेटेड किससे होगी, किस इंस्ट्रूमेंट से होगी, हाइग्रोमीटर, किससे, हाइग्रोमीटर, इस क्वेश्चन का आंसर हाइग्रोमीटर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, देखिए यदि पोलैंड को 16, 15, 12, 1, 14, 4 के रूप में लिखा जाता है तो स्पेन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ पे स्किप हो गया वो एस इट इज ऐसी है, ठीक है, आप कर सकते हो उसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने स्किप किया है, कुछ आप भी करें, सॉल्यूशन उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं, पोलैंड का कोड ये है तो स्पेन का बताना आपको, देखिए पी आता है आपका 15 पे, 15 पे आता ना, ठीक है, तो नहीं सॉरी पी 15 पे नहीं आता, ओ 15 पे आता, देखिए पी का जो डिजिट नंबर है वो 16 है, ओ का कितना है 15 है, एल का कितना है 12 है, ए का 1 है, एन का 14 है और डी का क्या है 4 है, तो उसी तरीके से स्पेन का क्या होगा, एस पी ए आई एन स्पेन, देखिए एस कितने पे आता है 19 पे आता है, एस के बाद टी आता है T20 पे आता है, एस 19 पे आता है, पी का क्या होगा 16 होगा, ए का क्या होगा 1, आई का 9 होगा, एन 14, इसका डिजिट कोड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 19, 16, 1, 9, 14, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये होगा, स्पेन को इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं, जो सीरीज लिखी हुई है इसमें गलत पद आपको बताना है, देखिए आप 2 से 4 पे जा रहे हैं तो +2 हो रहा है, 4 से कहां जा रहे हैं 7 पे तो प्लस हो रहा है, फिर यहां कितना हो रहा है 5 हो रहा है, लेकिन ये गलत है, देखिए 12 नहीं होगा यहां पे, क्या होगा यहां पे 4 होगा, 4 होगा तो 11 हो जाएगा, और इसमें अगर हम 5 करेंगे तो क्या आएगा फिर से 16 आ जाएगा, फिर 6 करेंगे तो 22 आ जाएगा, फिर 7 करेंगे तो क्या 29 आ जाएगा, तो यहां पे इन्होंने 7 में 5 जोड़ा था ये गलत है, 7 में हम 4 जोड़ेंगे जो कि 11 हुआ, तो गलत पद जो आपका 12 और सही पद क्या होगा 11, लेकिन आपसे क्वेश्चन गलत पूछा तो गलत पूछा तो 12 होगा, ठीक है। क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, देखिए श्रृंखला लिखी है बी डी वी वाई ई एच क्यू एस एच एल एल एम और के पी जी जी, देखिए हम बी से अगर ई पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है सी डी ई यानी कि +3 हो रहा है, तो यहाँ पे मैं +3 लिख देता हूँ, ठीक है, डी से हम एच पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है +4 हो रहा है, देखिए ई एफ जी एच, ठीक है, V से हम Q पे जा रहे हैं तो देखिए रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे क्या -5 हो रहा है, ठीक है, Y से हम S पे जा रहे हैं तो Y कितने पे आता है 25 पे आता है और S कितने पे आ रहा है 19 पे यानी कि -6 हो रहा है, ठीक है, इसी तरीके से इसमें हो रहा है, ऐसे ही K P Z Z में भी होगा, तो देखिए अगर हम K में K का क्या होता है पहले 11 होता है उसमें 3 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा और 14 पे क्या होता है L M N यानी कि N आ जाएगा, अगर हम फिर से P में 4 ऐड करें क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 4 प्लस करना -5 -6 इस तरीके से, तो P में अगर हम 4 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा Q R S और T, तो यहाँ पर T आ जाएगा, देखिए वैसे भी P जो होता है 16 पे होता है 20 पे ये होता है T, तो क्या +4 करके तो 20 आएगा, ठीक है, G आ गया, अगर G आपका 7 पे आता है और इसमें -5 कर दें तो क्या आएगा क्योंकि माइनस करा हुआ है यहाँ पर, देखिए क्या आएगा माइनस B आएगा, ठीक है, तो आपका B आ जाएगा, फिर से G दिया हुआ है, अब की बार G क्या है 7 पे आता वैसे तो -6 करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए -6 क्या हुआ तो -6 करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 पे आता है A, तो इस क्वेश्चन का आंसर एन टी बी आ जाएगा, एन उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।